हेलो गुड इवनिंग नमस्कार आदाब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेवन मिनट ट्रिक चैनल पे जहाँ पे हम लोग हर संडे को डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आसानी से याद हो जाना चाहिए इस ट्रिक के थ्रू तो हम आज बात करने जा रहे हैं वाइस रॉय और गवर्नर जनरल के बारे में लेकिन आपको पहले ही बता दें यहाँ पर हम सारे नाम नहीं डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट या लास्ट या फिर उनके नाम के साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा जुड़ा है वैसे तो अगर हम कहें फर्स्ट और लास्ट ही हम लोग को यहाँ पे याद करना है ठीक है इसके साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो नेक्स्ट संडे होगा उसमें आपको जो ट्रिक मिलेगी वो होगी रिट्स के लिए रिट्स यूजुअली क्या होता है ना कि हमें याद तो होता है हमें मालूम तो होता है बट कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसको हम याद करेंगे अगले वाले संडे के सेशन में और आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहला काम क्या होता है एक बार से सेशन को यहाँ क्या करना है लिंक को कॉपी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दीजिए चलिए बात करते हैं यहाँ पे वायसराय या फिर गवर्नर के बारे में देखो जब ब्रिटेन जो है ना किसकी कॉलोनी हुआ करता था अगर ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कॉलोनीज बना के रखी थी है ना कॉलोनी का मतलब क्या होता है उपनिवेश और उनकी कॉलोनी में से आपको एक इंडिया भी देखने को मिला जिसको एक टाइम पे नाम दिया गया ब्रिटिश इंडिया ये बोला गया यही तो हुआ था तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट नाम किसका है रॉबर्ट क्लाइव का रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ट एंड सीज्ड आरकोट ऑन 31st फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन खैर यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट है इतना ज्यादा खास नहीं है लेकिन रॉबर्ट क्लाइव थे कौन तो पहला पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कहां के बंगाल के तो ये सबसे पहले गवर्नर थे कहा के बंगाल ने बंगाल के जहां पे अगर आप देखेंगे तो बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिली थी 1957 में बैटल ऑफ प्लासी ये एक ऐसा युद्ध था जिसको माना जाता है कि इस युद्ध के बाद में ही ब्रिटेन का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे करके भारत में बढ़ना शुरू हो जाता है तो पहला नाम तो ये हो गया ठीक है दूसरा देखो इस्टैब्लिश डुबल गवर्नमेंट इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो डुबेल गवर्नमेंट थी जो यहाँ पे दो तरीके की आपको सरकार देखने को मिल रही थी और ये टाइम पीरियड कब से कब तक चला था 1765 से लेके 1772 तक तो पहला नाम तो ये था दूसरा नाम जो हमें याद रखना है वो है वॉरन हास्टिंग क्यों क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर एक चीज जो है वो बंगाल के आसपास ही क्यों घूम रही है तो आपको ये बता दें कि उस टाइम पे जो बंगाल हुआ करता था वो क्या था एक हब था हब का मतलब इनका ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था किसका ब्रिटिशर्स का तो वहीं पर सबसे पहले बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या नाम था वॉरन हार्सटिंग सेकेंडली इनके ही टाइम पे जो रेवेन्यू सिस्टम था उसके अंदर रिफॉर्म्स किए गए कुछ बदलाव किए गए जुडिश्री सिस्टम में भी कुछ चेंजेस किए गए और सबसे बड़ी बात जो डुअल सिस्टम उधर शुरू हुआ था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश किया गया इनके अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट या फिर हम कह लें कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे इनका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में जो ट्रांसफॉर्म किया गया ये जो चेंज हुआ ये जो शब्द था इसमें जो चेंज हुआ ये 1773 में हुआ जब भारत के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ठीक है तीसरा पॉइंट देखिए एंग्लो मराठा जो वॉर हुई थी उस टाइम पे भी आपको कौन मिलेंगे वॉरन हार्सिंग का नाम मिलता है ठीक है नेक्स्ट देखो नंबर थ्री विलियम बेंडिक भाई ये नाम तो ऐसा है कि सबको याद होना चाहिए जब हम लॉर्ड विलियम बेंडिक की बात करते हैं तो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वर्ल्ड इंडिया क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इस नाम को चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कौन से ईयर में ये जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में ठीक है ये चीज़ हो गई अच्छा अब इनके ही टाइम पे अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन रॉय काफ़ी फेमस नाम है सबको पता है इनके बारे में तो राजा राम मोहन रॉय के साथ में मिलके विलियम मेंडिक ने क्या किया था जो सती प्रथा थी जो यहाँ पे सती सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसको पूरी तरीके से एबॉलिश किया गया था खत्म किया गया था इनके ही टाइम पर दूसरा देखो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे लाइक जमींदारी सिस्टम हो गया रैयत सिस्टम हो गया माल सिस्टम हो गया तो इस सिस्टम को यहाँ पे इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था चलो नेक्स्ट पे आते हैं अगला है नंबर फोर लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग कौन थे भाई तो ये जो विद्रोह हुआ था ये जो रिवोल्ट हुआ था जिसके बाद तो मतलब इंडिया की अंदर अगर आप देखोगे तो एक अलग ही क्रांति आपको देखने को मिली तो इस रिवोल्ट के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है वाई बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ठीक है याद रखिएगा ये फर्स्ट वाइस रॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको ही जाना जाएगा ठीक है अच्छा अब पॉइंट ये आया कि इनके द्वारा अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करी गई थी कैलकटा हो गई मद्रास हो गई बॉम्बे हो गई और इनके ही टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था वो पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके पास क्वीन के पास इसके चलते इसको बोला जाता है क्राउंस रूल किसको 1858 में जो लॉ बन के आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसी को बोला जाता है क्राउन्स रूल नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे लॉर्ड माउंट बेटे माउंट बेटे कौन थे तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे यानी कि जब भारत को आजादी मिलने का समय आया था उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंट इंडिया था तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे लॉर्ड माउंट बेटे बने थे इनके ही टाइम पे आप देखेंगे तो रेड क्लिफ को बुलाया गया था जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन का डिविजन कराया था और ये ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा जो प्लान लाया गया था उसको बोला जाता है थर्ड जून प्लान ठीक है नेक्स्ट नाम जो कि आखिरी नाम होगा ये नाम क्या है सी राजा गोपालचारी ये कौन थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा शब्दों का फेर है शब्दों के फेर में अक्सर यहाँ पे उलझ जाया करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है इनके टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम चला आ रहा था ये पूरी तरीके से खत्म हुआ है नाइनटीन में खैर हमने सारे नाम देख लिए अब ट्रिक क्या है फनी है बट क्या करें भैया याद करनी है तो ट्रिक जैसी भी हो याद तो करना पड़ेगा तो रॉबर्ट है विलियम की मौसी आप कहेंगे हे hey, भगवान मैम कैसी ट्रिक बनाई है बट वट टू डू याद करना है अगली वाली जो अगले संडे को ट्रिक मिलेगी बेटा वो रिच की होगी तो प्लीज उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा अच्छा यहाँ पे रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव हो गया है से क्या हो जाएगा हेस्टिंग विलियम से विलियम बेंडिक हो गया क से हमेशा आपको पता है इसको हम ये कंसिडर करते हैं कैनिंग हो गया से माउंट बेटे सी से राजा गोपाल जी तो ये आपको याद रखना है रॉबर्ट है विलियम की मौसी आप बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये वाली मौसी ठीक है चलो तो ये तो बात हो गई सेशन के बारे में अब आगे चीजें आपको मालूम है सेशन को लाइक और शेयर मानना और दूसरी चीज आपको बता दें भाई ये जो बैच स्टार्ट हुआ है अन अकेडमी पे अन अकेडमी पे आपके एन सी आर टी के जो क्लासेस स्टार्ट हुए हैं ये फ्री क्लासेज हैं कितने बजे दोपहर में दो बजे और जो एडिटोरियल चल रहा है अन अकेडमी पे उसका टाइम है शाम को छह बज के दस मिनट फ्री क्लास है बट ये जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है कंप्लीट जीएस का फॉर द फाउंडेशन आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ये पेड बैच है अनअकेडमी कोड विल बी क्रटिटेंट और यूपीएससी का बैच भी आपके लिए फर्स्ट ऑफ सितंबर से शुरू होने जा रहा है उसमें भी आपको सेम कोड यूज करना है कृति टेन डेली करेंट अफेयर्स के लिए यू कैन ज्वाइन मी एट सेवन ए एम कहां पे वाई फाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे जहां पे हर दिन आपको मिलता है करेंट अफेयर्स पूरे दिन की जितनी भी न्यूज होती है सारी अब एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारो और दूसरी चीज अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो मिलते हैं आपसे अगली वाली ट्रिक के साथ और कल सुबह सात बजे लाइव सेशन में तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए बाय हाँ ठीक केयर